प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग 40 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सेट कोड हम लोग अभी बी का देखने वाले हैं। तो देखिए, कोड आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो 111 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 211 रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 80 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना होगा, 30 क्वेश्चन आपको जो है ना दिया जाएगा सब्जेक्ट में, मात्र आपको इसमें से 15 क्वेश्चन ही बनाना होगा। एंड बात कर ले, टोटल ये 80 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटा 45 मिनट का टाइम होगा। और ये परीक्षा से संबंधित सारा निर्देश दिया गया है, इसको भी पढ़ने का मन हो तो आप लोग जरूर पढ़ लेना। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का उत्तर बताते चलना, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखिएगा, पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूनान का। पहला का बी नंबर आप लोग नोट कर लेना, पहला का बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलो कि आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का याद है आंसर। दो नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार आपको बता दें कहां पर आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, दो नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये यूरोप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर जो है ना राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का। मैं एक चीज बताना भूल ही गया प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इसी चैनल पे जो है ना शाम में 6:30 पे डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको 6:30 आएगा वो आपको मिल जाएगा। एंड इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और इसका पीडीएफ भी आप इसी नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हो कि सर मेरे को पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, आप इसका प्राप्त कर लेना। चलिए दो नंबर, तीन नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है ना, तो दो तीन नंबर का याद रखिए, डी होता है रूस का साम्राज्य है ना, यानी रूस का राजा भी कह सकते हो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है चार की, तो चार नंबर बोला कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में जो देश कौन कौन से देश आते हैं याद रखिएगा, ये आपका आता है कौन कौन सा, बिल्कुल ये आपका एक कंबोडिया आता है, दूसरा वियतनाम आता है, तीसरा लाओस आता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा चार नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है पाँच नंबर। पाँच नंबर आप लोगों से पूछा गया कि बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको याद रखना है बालदौली किसान आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग छः की बात करें, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर बसती है? तो याद रखिएगा छः नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया होगा, महानगर में। महानगर क्या होता है? महानगर जहाँ पर शहर होता है, जहाँ पर मान लो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है ना, यानी कि राजधानी में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी नोट करना है, राजधानी नहीं कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर मान लो सुविधा ज़्यादा हो, पढ़ाई करने का सुविधा हो, उच्च न्यायालय हो, है ना, तो इस प्रकार से हो सकता है। बात करेंगे हम लोग सात नंबर क्वेश्चन की, तो बोला भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो सात का याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा 1881 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर है ना, तो याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर आठ का। नौ नंबर है, वर्ना क्यूअर एक्ट प्रेस से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा ही क्या करी थी, बदल डाली थी? तो ये था आपका अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर नौ का। बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया आपसे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस बर अधिवेशन में पारित हुआ था? याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लाहौल अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 11 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 11 नंबर का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक गैस किस
खनिज के साथ पाया जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, पेट्रोलियम, जिसे पेट्रोल कहते हो उसी में पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही जो है ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर, और 13 नंबर बोला जो है ना ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से क्या हो सकता है, तो 13 का ऑप्शन डी होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा हुआ है जो सूरज प्लेट यानी कि एक प्लेट वगैरह आता है उसके द्वारा जो बैटरी में चार्ज होता है इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल ट्रास्टी गैस का शिराव कब हुआ था, यानी कि भोपाल में गैस का शिराव कब हुआ था, मतलब कि कौन सा गैस निकला था, है ना, याद रखिएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकला था, ऑप्शन सी राइट होगा। 15 है कि फालता विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद रखना है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, तो देखिए 16 नंबर बोला गया आपसे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित, तो संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना जिला में स्थित है, तो याद रखना है पटना में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलो, कमेंट करते चलना है ना, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए। चलो 17 है, मंडाल हेड किस जिला में स्थित है, तो 17 का ऑप्शन नंबर याद कर लेना है सी नंबर करेक्ट होगा, बांका जिला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जो ना उचवा वाच प्रदर्शन के लिए जो ना हैस्यूमर विधि किसने किया था, तो याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, नोट कर लेना है लेमान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था कब, मतलब किस काल में, है ना, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्ययुग में। ऑप्शन नंबर 19 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 नंबर बोला सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या, तो सीमेंट जो बनता है ना ये चूना पत्थर का बना हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो बोला गया भारत में राष्ट्रीय स्थल पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो 21 का ऑप्शन ए होगा, नोट कर लेना है, ये आपका 1959 SP होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप किस प्रकार का मिलता है, तो 22 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होगा इनमें से सभी, एक तो ग्राम पंचायत में भी पंचायती राज है, पंचायत समिति में भी पंचायती राज है, जिला परिषद में, और एक सेकेंड याद रखिएगा पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 2005 SP में किया गया था, ये भी याद रखना है, और पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो राजस्थान में की गई थी, ये भी आप लोगों को जो है याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका एग्जाम में आएगा, है ना, इस टाइप से आपको याद रखना है कब क्या गया था पंचायती राज का शुरुआत 2005 में, और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान से, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो 23 का याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेघा अस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, 23 का, है ना। आगे बढ़ेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो ना कहाँ पर की गई थी, तो नगर निगम की स्थापना जो की गई थी ये पहली बार की गई थी चेन्नई में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 है, संघ सरकार का उदाहरण क्या इनमें से हो सकता है, तो 25 का ऑप्शन ए होगा, संघ सरकार अमेरिका में है, है ना, संघ सरकार अमेरिका में हो जाएगा, है ना, और समाजवादी सरकार कहाँ पर है, तो चाइना में है, और इसके बाद ब्रिटेन में भी शायद यही है समाजवादी सरकार ही। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, और अपना भारत में किस प्रकार का सरकार है ये भी मैं बता दूं, भारत में जो ना मिश्रित सरकार है, यानी कि जो ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस प्रकार का याद रखना है, ठीक है। चलिए 26 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य हुआ था, चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, चिपको आंदोलन क्या हुआ था कि पेड़ था, आंध्र प्रदेश में से यह शुरू हुआ था, है ना, तो वहाँ पर जो पेड़ था, पेड़ को काटने के लिए बहुत सारे लकड़हारे जो कि व्यक्ति जो पेड़ काटते काटने के लिए आए थे, तो वहाँ पर से जो भी महिला एवं पुरुष थे सभी लोग क्या कहते पेड़ में पेड़ को बचाने के लिए चिपक गए थे, सभी लोग पेड़ में चिपक गए थे ताकि कोई पेड़ को ना कटे, तो उसी दौरान चिपको उसी का नाम चिपको आंदोलन दिया गया था, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी मध्य प्रदेश से ना हुआ था, उत्तराखंड है,
कहाँ देखो, एक सेकेंड, 26 नंबर है, याद रखना है, यह उत्तराखंड से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, 27 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ये याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट होगा। 28 नंबर की, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो देखिए सूचना का अधिकार जो कानून है ये 2005 में लागू हुआ था, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़, तो आइए प्यारे जो बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला गया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था, तो याद रखना है 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये निभाए थे जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में समझा देता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर बिल्कुल लिख देता हूँ पहला, द्वितीयक क्षेत्र को दूसरा लिख दे रहा हूँ, तृतीयक क्षेत्र को तीसरा लिख दे रहा हूँ, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो संबंधित होता है ये आपका हो जाता है कि सेवा से नहीं होगा, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है टीस है, तो टीस का यहाँ पर देखना है ना, तो ये मछली पालना यानी कृषि वगैरह जो आता है मछली पालना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र किसे कहा जाएगा, सेवा जिसमें कि डॉक्टर वगैरह आ जाते हैं, ये सभी क्षेत्र आ जाता है आपका जो ना तृतीयक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र जिसमें बिजनेस वगैरह काम किया जाता है, लघु उद्योग वगैरह, ये द्वितीयक क्षेत्र में, तो याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर जो है ना आपको याद रखना है पहला 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 31 नंबर है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, 31 नंबर का बी नंबर नोट करना, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर इसका भी बी राइट होगा। 32 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लेना। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया, दादा भाई नौरे जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, तो 33 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका ए हो जाएगा, 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 34 है कि मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुद्रा का जो कार्य होता है ना प्यार बच्चों, याद कर लेना 35 का, ये आपका हो जाता है 35 है कि 34 है ना, ये हो जाता है बिल्कुल, एक तो आपका मापन हो जाता है, दूसरा संचय, तीसरा भुगतान, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन शहर को कहा जाता है, तो वित्तीय यानी कि राजधानी अभी तो नई दिल्ली है, लेकिन पहले के टाइम में मुंबई थी, ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर नोट कर लेना है ना। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बोला गया कौन बीमारु राज्य नहीं है, इनमें से बीमारु राज्य कौन नहीं है, तो इसको ट्रिक के जरिए याद रख सकते हो, बी आई एम ए आर यू बीमारु, इसे कैसे याद रखोगे, बी से क्या होता है बिहार, तो बिहार आपका बीमारु राज्य है ना। और देखिएगा कर्नाटक के इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, और इसमें देखिए यू से क्या होता है उड़ीसा, उड़ीसा भी बीमारु राज्य है, एम से क्या होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी आपका बीमारु राज्य, तो इसमें से जो अक्षर से बन जाएगा वो, यहाँ पर क्या पूछा कौन बीमारु राज्य, तो कर्नाटक यहाँ पर इसमें से अक्षर के नहीं मिला, तो हम लोग कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 36 नंबर का राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया आपसे कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी नहीं होगा याद रखना डी नंबर संतोष, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर को नोट कर लेना। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 39 की, तो महानगर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, महानगर महासागर, महासागर यानी समुद्र में जो कंपन होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे सुनामी, है ना, सुनामी कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 40 से कि मलबे के नीचे दबे हुए जो जब भी होता है कि मान लो भूकंप आया किसी साल में आपके गाँव वगैरह में, कभी बिहार में भी आता है, तो मलबा जल्दी नहीं घस सकता है, लेकिन मलबा क्या होता है धरती जो है फट जाता है बीचों बीच, तो उसके अंदर जो व्यक्ति मान लो दब के मर गया, तो उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है, ये आपसे पूछा, तो 40 का बी नंबर नोट करना, उसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन भी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी 40 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। प्यार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलता है मैं आपको बता दूं, पीडीएफ मैंने जो नंबर दिया इस पे भी मैसेज करके ले सकते हो, 98 355 16 710 पर आप लोग जो है ना मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। इसके अलावा वायरल पेपर जैसे मंथली एग्जाम का आपको मिलता है, उसी प्रकार से इसका गूगल में भी आंसर कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल मैं समझा देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, तो चलिए कैसे मिलेगा वो देख लेना। फोन में जो है गूगल को ओपन करना होगा, सर्च बार के आइकन पे इसके लिए आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा, ठीक है ना। गूगल पे आप गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए, अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो मात्र इसी चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आइए सर्च कर लीजिए, गूगल में आकर के आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर कि इसका लिंक दे दीजिए, लिंक देखो मैं क्या दूंगा, ये जो क्लास
टेंथ का सेशन लिखा है इसी पे आपको वायरल पेपर का लिंक मिल जाएगा, सारे वायरल पेपर का, जैसे मंथली का मिलता है ना वैसे ही मिलेगा, कुछ दिनों बाद आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो आप ये वीडियो एग्जाम नजदीक आएगा तब भी देखोगे ना, इसलिए समझा दिया हूँ, आप तैयार रहना, आकर के चेकआउट वगैरह कर लेना। देखो टेंथ का भी सेशन है, जैसे देखो मंथली एग्जाम का पेपर यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, इसी प्रकार से मैं सेशन बना लूँगा, बस कुछ ही दिनों में बना लूँगा, फिर अपडेट भी करूँगा, डेली क्लास करते तो बता दूंगा, यहाँ पर मिल जाएगा सेशन, आप आकर के डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।